नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज मैं जैविक कीटनाशक की बात करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा ये सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है फसलों में और सुंडी का प्रकोप होता है, तो इसकी जैविक रोकथाम कैसे करें। तो जैविक कीटनाशक के लिए आज मैं किसान साथियों आपको ये दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इसमें ये बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली कीटनाशक होता है। इसमें क्या करना है हमें, पहले तो आप ये पौधा देखिए, ये पौधा है, इसको आप गौर से देख लीजिए, ये पौधा है। दूसरा क्या लेना है, ये नीम। अब ये पौधा क्या है और ये मिलेगा कहाँ पे? तो इसको अपने राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में तो इसको बोलते हैं खीप, और हमारे इधर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यहाँ इसको बोलते हैं झाऊ। ये झाऊ का पौधा होता है। और ये मिलता कहाँ पे है, ये हमारे यहाँ जैसे कि गंगा के किनारे मिल जाता है, किसी नदी के किनारे मिल जाएगा आपको, नहर के किनारे भी कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन ये रेतीली ज़मीन में ज़्यादा पाया जाता है। जो क्षेत्र रेतीला होता है तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो इसको हमारे यूपी में इसको हम झाऊ बोलते हैं, और ये हमें गंगा के किनारे या नदी के किनारे मिल जाता है आसानी से। तो अब हमें इसका करना क्या, अब हमें 1 किलो तो ये लेना है। अगर हमें 10 लीटर कीटनाशक चाहिए तो 10 लीटर में हमें 1 किलो ये झाऊ लेना है, और 1 किलो हमें लेना है ये नीम की पत्तियाँ। अब इन नीम की पत्तियों को, इसको दोनों को हम ऐसे इसको तोड़ के और बहुत छोटा छोटा ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे, ये देखो कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी हो तो मिक्सी में क्या करना, आप इसको यूँ करके ऐसे आपको इसको तोड़ लेना, और तोड़ के ये बारीक करने के बाद इसको आप मिक्सी में पीस लेना है। तो 1 किलो आपने ये ले लिया, और 1 किलो आपको ये लेने हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते भी आप जो है ऐसे इसको छोड़ ऐसे करके और इनको आप मिक्सी में पीस लेना, और अगर मिक्सी नहीं मिलती है तो इनको काट के बारीक कर लेना है, तब भी काम हो जाएगा। ऐसे बारीक कर लेना, ऐसे करके आप तोड़ोगे इनको तो ये देखो ये मसल के भी बारीक हो जाता है, लेकिन आप इसको किसी चीज़ से ऐसे मसल लेना तो ये छोटा छोटा हो जाएगा अगर मिक्सी नहीं है आपके पास। तो 1 किलो आपको ये नीम के पत्ते लेने हैं, और 1 किलो आपको लेना है ये खीप और झाऊ, जैसे इसको हम झाऊ बोलते हैं हमारे इधर, तो ये झाऊ ले लेना। इसको लेके तो 1 किलो आपका ये हो गया, 1 किलो आपका ये हो गया। अब इसमें हमें, अगर बेस्ट डिकम्पोजर है आपके पास तो 10 लीटर आपको लेना है इसमें बेस्ट डिकम्पोजर, और बेस्ट डिकम्पोजर में इसको डाल के रख देना है, और 21 दिन में ये तैयार हो जाएगा। सुबह शाम हमको उसको हल्का सा चलाना है तो 21 दिन में ये तैयार हो जाएगा। अब इसकी मात्रा की बात करेंगे तो ये हमें जो 15 लीटर की हमारी स्प्रे मशीन होती है, तो उस स्प्रे पंप में हमको इसको 1 लीटर ये कीटनाशक और 5 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर, बाकी का पानी। अगर आपके पास बेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप पानी डाल, 1 लीटर इसको डाल लें और आप पानी डाल लें, तो इसकी आप स्प्रे कीजिए। दूसरा मेथड, जिन लोगों के पास बेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो 1 किलो इसको ले लेंगे झाऊ को, और 1 किलो ये नीम के पत्तों को बारीक पीस के, और बेस्ट डिकम्पोजर की जगह इसमें आप 10 लीटर गौमूत्र डाल लें, जो आपके यहाँ गाय होती है देसी गाय,
देसी गाय में कई गाय की नस्लें आती हैं, साहिवाल वैसे बहुत चलती है आजकल, तो वो भी देसी की नस्ल है। तो आप देसी गाय का मूत्र, जिन लोगों के पास बेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो वो लोग देसी गाय का मूत्र भी इसमें यूज कर सकते हैं, और ये 21 दिन में रेडी हो जाएगा। 21 दिन के बाद आप किसी भी फसल के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हमारे पास इस बना हुआ घोल भी रखा है, और मैंने यूज किया है इसको, और यूज करके मैंने ये देखा है इस पर सफ़ेद मक्खी तक का अटैक कम कर देता है, और ये हमारी जो बालों वाली सुंडी होती है इसको भी ख़त्म कर देता है। ये बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशक बनता है। तो किसान साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जिससे लोगों को जानकारी हो सके, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको इसी तरीके से और भी जानकारियाँ देता रहूँगा। तो किसान साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।